सर आशीष कुमार दामले। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल टू स्टडी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। ये जनरली यूज़ होता है हमारे लेबोरेटरीज में फॉर द एक्सपेरिमेंट्स टू सी द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल स्टडी करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है कॉमनली लेबोरेटरीज में। और हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, इसके स्टडी के लिए भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ बहुत वास्ट है ना, और इसके ये अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन पावर आता है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्निफिकेशन रहते हैं इसमें, जैसे कि 10x मैग्निफिकेशन, 15x एक्सेट्रा। तो व्हाट इज़ इट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना। द टर्म कंपाउंड रिफर्स टू द माइक्रोस्कोप हैविंग मोर देन वन लेंस, है ना। द टर्म लाइट रिफर्स टू द मेथड बाय विच लाइट ट्रांसमिट द इमेज टू योर आई। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड जो टर्म है वो क्या कहलाता है, मोर और मोर देन वन, है ना। और द टर्म लाइट रिफर्स टू द मेथड मीन्स इसमें क्या होता है, जो लाइट है, लाइट सोर्स रहता है, उससे लाइट क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे आई पीस में जाता है। आई पीस से क्या हो जाता है, हमारे जो इमेज हम वो स्टेज पे रखे हुए हैं तो उससे कि क्लियर हो जाता है हमारे को, है ना, हमको इमेज देखने मिलता है। फिर माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो मीनिंग स्मॉल एंड स्कोप मीनिंग व्यू। तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स रहते हैं माइक्रोस्कोप में। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बेस होता है माइक्रोस्कोप का सबसे पहले, जो कि क्या है, हमारे सरफेस पर रहता है, है ना। इसको मतलब फर्मनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है, इसके नीचे जो है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारा रबर का रहता है, जिसके क्या होता है, ये स्टिल रहता है एक जगह पे, इसको मतलब हिल ढुल नहीं सकता है फिर माइक्रोस्कोप। फिर देखते हैं अपन दूसरा पार्ट, जो कि होता है इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर मींस ये हमारा लाइट सोर्स होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे लाइट को ऊपर की तरफ भेजेगा, है ना। ऊपर से क्या करेगा, ये ऊपर से डायफ्रेगम भी एक पार्ट होता है, जो क्या करता है, एक स्मॉल इसमें होल्स रहते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं, मींस उसके लाइट को, सरफेस एरिया को रेजिस्ट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, ऊपर ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है, है ना, जो कि स्टेज में रखा रहता है, उसके थ्रू होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे आई पीस में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे इमेज क्लियरली देख सकते हैं, है ना। फिर अपन देखते हैं और क्या पार्ट्स रहते हैं इसमें, जैसे कि इल्यूमिनेटर हो गया, ये लाइट सोर्स है, जिससे कि वो क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को जो अपन स्टेज पे रखे हुए हैं उसको मीन्स वो उसके थ्रू मतलब लाइट जो है पास होगी, है ना। इल्यूमिनेटर क्या करेगा, लाइट सोर्स का काम करेगा। फिर वहाँ से क्या होगा, स्टेज क्लिप्स में जो रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, वहाँ से होके ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर वो आई पीस की तरफ जाता है, है ना। तो यही काम होता है डायफ्रेगम का, मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से माइक्रोस्कोप। फिर अपन देखते हैं और क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, एक ये होता है स्टेज, जो देख लिया स्टेज क्या होता है, स्टेज में ही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट रखते हैं हम उसको, जिसको स्टडी करना है, इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। और वहीं यहाँ बीच में स्लाइड्स रखते हैं हम, और इसी के अगल बगल स्टेज क्लिप्स रहती हैं, ये स्टेज क्लिप्स, है ना, स्टेज क्लिप्स, ये दो स्टेज क्लिप्स रहती है यहाँ पे, जिससे कि क्या है, हमारा स्लाइड है जो, है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे कि मतलब हिल डुल ना सके, उसको मतलब एक जगह फिक्स कर देते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं दूसरा पार्ट, जो कि है एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है। एडजस्टमेंट नॉब, दो टाइप के एडजस्टमेंट नॉब रहते हैं, जैसे कि जो क्या करते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे इन द सेंस मीन्स वी कैन एडजस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो, जिससे कि अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट को, जिससे कि अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या पहला होता है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, वो क्या होता है, क्योंकि बहुत मतलब
हायर अमाउंट में अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट मीन्स हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर सकते हैं, है ना। वही होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या होता है, ये बहुत इसमें से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। बहुत ही मतलब जो नीचे जो खिसका सकते हैं अपन, ठीक है, माइक्रोस्कोप को या ऑब्जेक्टिव लेंस को नीचे की तरफ, मतलब स्मॉल एडजस्ट कर सकते हैं उसको, है ना। और जिससे कि अपन फाइन फोकस कर सकते हैं हमने हमारे ऑब्जेक्ट को, और ये होगा ये कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली अपन देख सकते हैं, उसके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के एडजस्टमेंट नॉब दे रहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी ट्यूब, है ना, और पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ऊपर नीचे अपन हो सकते हैं। फिर आता है दूसरा पार्ट है आम, ठीक है। आम क्या कर सकते हैं, इसको अपन माइक्रोस्कोप को इससे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आम जैसे हमारे भी हाथ पैर रहते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप का भी जो आम है ना, जो हाथ है, उसको अपन पकड़ के आगे इधर उधर, मतलब माइक्रोस्कोप को अपन हिला सकते हैं, है ना। ये मेन होता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये बहुत मेन पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, है ना, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट का जो फोकस है ना, उसको अपन क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। इससे ही अपन यही टाइप, अलग अलग टाइप के इसके मैग्निफिकेशन पावर रहते हैं, जैसे कि 10x में आता है, 20x में, है ना, अलग अलग टाइप के मतलब लेंस के मैग्निफिकेशन पावर रहती है, जिससे कि अपन अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, है ना, अपन इसको देखते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस को। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, दो तीन रहती हैं इसमें माइक्रोस्कोप में, और ये क्या रहती है, नोज पीस के अंदर ये रहती है ना, इसके अंदर एम्बेडेड रहती है। और नोज पीस को क्या अपन इधर सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, जिससे कि होगा यू कि अपन को जो जो टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए, है ना, मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्निफिकेशन पावर, हम इसको इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ये नोज पीस के अंदर रहती है। नोज पीस क्या करेगा, हमारे वो सर इसको अपन सर्कुलर मोशन में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवॉल्वेबल है और अकॉर्डिंग टू अवर यूज़, है ना, और अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी मीन्स वी कैन यूज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर आता है हमारा बॉडी ट्यूब, ठीक है। बॉडी ट्यूब क्या करेगा, इट अलाउज द अटैचमेंट ऑफ आई पीस टू द होल माइक्रोस्कोप और ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। बॉडी ट्यूब ये इसका मेन रोल होता है। फिर क्या है, अपन दूसरा देखते हैं पार्ट, जो कि आई पीस। आई पीस एज द नेम सजेस्ट, वी कैन सी आवर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आई पीस, है ना। जो आई पी इमेज बनेगा वो अपन आई पीस के थ्रू देख सकते हैं। तो दिस आर ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर अपन देखते हैं हाउ डस लाइट ट्रेवल थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट सोर्स जो कि है इल्यूमिनेटर है, उसको अपन लाइट सोर्स बोलते हैं। उससे क्या होगा, सबसे पहले एमिट होगा लाइट, है ना। एमिट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो कंडेंसर लेंस की तरफ जाता है। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, इसमें स्पेसिमेन में फोकस करके क्या करेगा, वो लाइट को पास करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्टर लेंस की तरफ जाएगा। प्रोजेक्टर लेंस से फिर ऑक्युलर लेंस, जिसे कि अपन आई पीस बोल सकते हैं, फिर हमको क्या होता है, फाइनल इमेज दिखता है। तो इस तरीके से हमारा लाइट ट्रैवल होता है माइक्रोस्कोप में। फिर अपन एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, है ना, अलग अलग टाइप्स जो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स है उसको अपन देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब क्या करता है, इट कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंसेस, है ना। फिर आई पीस का क्या क्या होता है, इट इज़ द लेंस थ्रू विच द व्यूअर्स लुक्स टू सी द स्पेसिमेन, ठीक है। जिससे कि अपन हमारा जो स्पेसिमेन है ना, तो उसको अपन देखते हैं आई पीस के थ्रू। इट यूजुअली कंटेन्स अ 10x और 515x पावर लेंस, है ना। अलग अलग टाइप के रहते हैं आई पीस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन 10x है या 15x है। फिर अपन देखते हैं क्या होता है,
ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड स्टेज क्लिप्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या होता है, दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस आर वेरी क्लोज टू द स्पेसिमन। ये एज द नाम सजेस्ट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने या स्पेसिमन अपने को देखना है तो क्या करेगा, उसके ऊपर जो लेंस रहती है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप हैज 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंस विच रेंजेस फ्रॉम 4x to 100x, ठीक है। अगला, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस रहती है माइक्रोस्कोप में, इसका रेंज अलग अलग रेंज की रहती है, ये 4x to 100x अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन पावर। फिर स्टेज क्लिप्स, स्टेज क्लिप्स क्या होती है, दिस आर द मेटल क्लिप्स दैट हेल्ड द स्लाइड इन अ प्लेस, मतलब एक जगह उसको स्थिर रखने के लिए क्या करती है, स्टेज क्लिप्स का यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं नोज पीस एंड अपर्चर क्या होता है। नोज पीस, इट इज़ अ रोटेटिंग टरेट दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो दो, 3 से 4 रहते हैं वो नोज पीस के अंदर ही रहते हैं, है ना। द व्यूअर स्पिन्स द नोज पीस टू सेलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जिससे कि अपन चूज कर सकते हैं कि किसकी मदद से, नोज पीस की वजह से। नोज पीस क्या है, रिवॉल्व हो सकता है इधर उधर, है ना, इसकी मदद से अपन अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर होता है अपेरेचर, अपेरेचर क्या है, इट इज़ द मिडिल ऑफ द स्टेज, ठीक है, स्टेज के मिडिल में रहता है, दैट अलाउज द लाइट फ्रॉम इल्यूमिनेटर टू रीच द स्पेसिमेन, ठीक है। तो इल्यूमिनेटर जो लाइट सोर्स है उसके लाइट को क्या है, स्पेसिमेन में अलाउ करता है, ठीक है, उसके थ्रू होते हुए, अपर्चर के होते हुए क्या करती है, लाइट अपने स्पेसिमेन में जाती है। फिर देखते हैं आर्म एंड बेस क्या होता है। आर्म क्या होता है, इट कनेक्ट्स द बॉडी ट्यूब टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है, जिससे कि अपन माइक्रोस्कोप होल्ड करते हैं, और किसको कनेक्ट करता है, हमारे बॉडी ट्यूब को जो ऊपर में रहता है और टू द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, उसी के अंदर बीच में सभी पार्ट आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के, है ना। तो बेस क्या होता है, इट सपोर्ट्स द माइक्रोस्कोप एंड वेयर एंड इट्स वेयर इल्यूमिनेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप को, ठीक है, कोई भी सरफेस पे हम जहाँ स्टडी कर रहे हैं या बेंच में, तो वो क्या है, बेस वो क्या है, सपोर्टिंग काम करता है, ठीक है, सपोर्ट करेगा, इससे कि क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप एक जगह स्टेबल रहता है और अपन उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं स्पेसिमेंस की। फिर देखते हैं क्या होता है इल्यूमिनेटर एंड स्टेज। इल्यूमिनेटर, इट इज़ द लाइट सोर्स फॉर ए माइक्रोस्कोप, है ना। एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस अ लो वोल्टेज बल्ब एज एन इल्यूमिनेटर, ठीक है, ये लाइट सोर्स का काम करता है जिससे कि थ्रू क्या हो जाएगी, लाइट पास होती है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस फिर आई पीस में क्या हो जाएगा, इमेज दिखता है स्पेसिमेन का, है ना। तो स्टेज क्या होता है, इट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड इज प्लेस्ड, ठीक है। इसी पे क्या होता है, अपन जितना भी स्लाइड अपना जो स्टडी करना है स्लाइड को पर्टिकुलर, उसको अपन रखते हैं स्टेज में और उसके आजू बाजू स्टेज क्लिप रहता है ना, जो कि एक जगह स्लाइड को रखता है और क्या होता है, हिलने डुलने नहीं देता है स्लाइड को। फिर देखते हैं कंडेंसर एंड डायफ्राम क्या होता है ना। कंडेंसर, ये कंडेंसर गैदर एंड फोकस लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर इनटू द स्पेसिमेन, ये क्या करता है, फोकसिंग का काम करता है कि कहाँ से जो लाइट आ रही है इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स से, उसको क्या करता है, फोकस करता है हमारे स्पेसिमेन में, है ना। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, इसमें 5 होल रहते हैं और ये क्या करता है, इट इज़ प्लेस्ड अंडर द स्टेज, है ना। ईच होल इज ऑफ ए डिफरेंट डायमीटर, ये अलग अलग मतलब इसका जो साइज रहता है, ठीक है, या इसका सर्कमफेरेंस रहता है अलग अलग रहता है, है ना। बाय टर्निंग इट यू कैन वेरी द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग इन थ्रू द स्टेज ओपनिंग, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर लाइट रिक्वायरमेंट, ठीक है, लाइट सोर्स जो चाहिए हमको अपने अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन नैरो कर दिए तो क्या हो जाएगा, लाइट बहुत उसका जो ऊपर पहुंचने का जो फ्लो है ना, उसको वो कम हो जाती है, और अगर बड़ा हो जाएगा मान लो सरफेस एरिया, तो क्या है, एक जगह बहुत मात्रा में लाइट जाएगा ऊपर, ठीक है, हायर अमाउंट। फिर टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब यदि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, 4x उसका रिजोल्यूशन पावर है, और आई पीस का क्या है, 10x है, तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगी 40x की, ठीक है, 40x जूम करके हम इमेज को देख सकते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x की होगी रिजोल्यूशन पावर और हमारा आई पीस होगा 10x का, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 100x, तो 100x अपन जूम करके हमारे स्पेसिमेन को स्टडी कर सकते हैं। फिर होता है 40x ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, अगर इसका रिजोल्यूशन पावर 40x रहा और आई पीस का 10x रहा, तो क्या है, हमें 400x तक हमने इमेज क्या है जूम करके देख सकते हैं, जिससे कि क्या है, डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव लेंस इट्स रिजोल्यूशन पावर, वी कैन सी द
स्पेसिमेन एंड स्टडी इट्स डिटेल स्ट्रक्चर्स। फिर अपन देखते हैं एक प्लांट सेल का इमेजेस, ठीक है, अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो एलोडिया कैनाडेंसिस एक टाइप का प्लांट है ना, एक्वाटिक प्लांट, उसकी अपन सेल को ये इमेज में क्लियरली शो किया गया। 40x से आप देख सकते हैं क्या होता है हमारा जो स्ट्रक्चर्स है उसके, ठीक है, प्लांट सेल के, वो उतने क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। और 100x में क्या है बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है, और 400x में और मतलब डिटेल स्ट्रक्चर्स अपन देख सकते हैं, है ना, सेल की। फिर ये इतना तक क्या है हम पार्ट देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर अपन देखते हैं उसका यूज़ क्या होता है, यूज़ ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑफ ग्रेट यूज़ इन पैथोलॉजी लैब्स एज टू आइडेंटिफाई डिजीजेस। अरे ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरस बैक्टीरिया को अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, और उसके अंदर के इस डिफेक्ट को या अपने जो स्ट्रक्चर्स है उसको देख सकते हैं अपन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, वेदर इट इज़ एनिमल सेल, प्लांट सेल, और इट इज़ अवर ब्लड सेल्स, है ना। फिर इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज क्या होता है, इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स और मेटल्स इन ह्यूमन सेल्स सो एज टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और मेटल्स है क्योंकि ह्यूमन सेल्स में रहते हैं, है ना, इसको स्टडी करने के लिए, है ना, और टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस वी कैन यूज कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। फिर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ ए ड्रग बाय व्यूइंग इट्स कॉम्पोनेंट पार्टिकल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीन्स कॉम्पोनेंट, है ना, जो कि सेल्स में रह सकते हैं उसको भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। फिर आता है फोर्थ यूजेस, स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर बेनिफिट बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर कंडक्टिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, विच कैनॉट बी विजिबल बाय द नेक्ड आइज। फिर आता है प्लांट सेल्स एंड ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन देम कैन बी ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, है ना। सो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ प्रूव्ड बेनिफिशियल टू बायोलॉजिस्ट ओनली, है ना। बहुत सारे इसका यूज़ है और इसमें एडवांसमेंट होते जा रहा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को अपन उसकी रिजोल्यूशन पावर से इसको चेंज करके या उसके जो फंक्शन है ना, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज का अलग अलग रिजोल्यूशन पावर हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू अवर यूज़ एंड स्ट्रक्चर व्यूइंग, ठीक है, वी कैन यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वी कैन सी दैट अबाउट ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स इस टाइप के दिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। फिर एक ह्यूमन सेल्स के बारे में इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। फिर थर्ड है एलोडिया लीफ, जो कि प्लांट सेल, उसको ये दिखाया गया है। दिस इज द इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।